ईशान, मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं बहुत डर गया था। बस बस हो गया है सब। तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे, उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहचाना? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। मुस्तफा साहब ने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ। सबर करो, मैं उसे मार दूंगा। एक एक करके सब भाइयों को मार दूंगा। किसी को भी नहीं मारोगे तुम, कुछ नहीं करोगे अब बस। कैसे कुछ नहीं करूंगा मैं? मेरी बीवी और बेटे को अगवा करना काफी नहीं था जो उन्होंने तुम्हें भी अगवा किया ईशान? उसने खुद को बचाने के लिए अगवा किया और फिर छोड़ दिया मुझे। तुमसे कितनी दफा कहा है कि इस मामले को हम दूसरी तरह हल कर लेंगे, और तुमने क्या किया? उसे अगवा कर लिया। अब तुम भी उनका दिफा मत करो ईशान। पागल मत बनो, उनका दिफा नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर रही हूँ ना, और तुम जाकर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। मुझे ये मामला हल करने दो। मैं सिर्फ अपने बेटे और बीवी को वापस चाहता हूँ। मैं वादा करती हूँ वापस आएंगे वो लोग, लेकिन ना काबिले माफी गलतियां ना करो, ये बात समझ लो। उनके बिना मुझे ईशान सांस भी नहीं आती। लफीज के बिना मैं नहीं जी सकता। मुझे पता है और मैं हल कर लूंगी। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? ये बात मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। विदात आप हैं? मैं हूं। आपको हमारे साथ चलना होगा। वो क्यों? थाने चल के पता चल जाएगा। आपको कोई गलतफहमी हुई? मुस्तफा कलीली, इतनी जल्दी हमारा मुआहिदा तोड़ दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुस्तफा बेटा, आओ आओ बेटा, फौरन अच्छा सा कहवा बना के लाओ। शुक्रिया शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आया हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटी जरा देखो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है, खुश आमदीद मुस्तफा भाई। बहुत शुक्रिया बहन। ये बताओ तुम्हारा जॉर्जिया से क्या ताल्लुक है बेटा? क्या बोलो ना, बड़े दिमाग वाले बनते हो। हाँ खैरियत तो है ना भाई, कुछ हुआ है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम नफीस और उसके बेटे को जॉर्जिया छोड़कर आओ। हाँ चलो, इसी बहाने कोई अच्छा काम कर लोगे तुम। भाई जैसा आपका हुक्म, पर पासपोर्ट के लिए तो तस्वीरें चाहिए होती है ना? हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा इन सब में? एक हफ्ता। तीन दिन में चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तीन दिन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत तो है? यहाँ कैसे भाई? वो खातून आई हैं जिसको रात को आपने अगवा किया था और वो अभी आपके पास खुद आई हैं। अच्छा, हाँ, अगवा करना और करवाना बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। और कुछ? तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ता हूँ। भागो भागो कुत्ते के पास। खैर तो है, तुम तो आदी होगी ना, तो फिर इस तरह आंसू क्यों बहा रही हो? शायद विदात को दोबारा ना देख पाऊं इसलिए। क्या मतलब? पुलिस कल रात विदात को ले गई और अब जेल से छोड़ नहीं रहे उसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने नहीं, नफीस ने। नफीस? नफीस ने शिकायत की है उसकी?